हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल गुदा रोग विशेषज्ञ गोयल पैलेस हॉस्पिटल से। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हमारे जो मल द्वार के रोग हैं, यानी जो बवासीर एवं फिशर, उनमें हमें ऐसा क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए जिससे कि हमें मल द्वार के रोग ना हो। यदि है तो वो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक हो जाए। डाइट प्लान जानने से पहले जरूरी है कि हमें ये पता हो कि बवासीर संबंधी बीमारियों का कारण क्या क्या है। हमें हार्ड शू यानी सख्त पोटी आने के कारण हमारे गुदा की नसों पर दबाव पड़ता है, जिस कारण से हमारी गुदा की नस फूल करके बवासीर के नसों में बदल जाती है और हार्ड शू के कारण ही फिशर का घाव बार बार फटता रहता है। इसलिए हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए कि हमें नरम पोटी आए। उसके लिए सबसे पहले हम जो पानी पी रहे हैं उसकी मात्रा सफिशियंट होनी चाहिए। कई लोगों की सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी पीने की आदत तो होती है, पर पूरे दिन पानी की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, तो वो सब भी गलत है। हमें घंटे दो घंटे में मौसम के अनुसार कम से कम 2-3 घूंट पानी पीते रहना चाहिए। इससे हाथों में खुश्की नहीं आती है और हमें जबरदस्ती का हिसाब भी नहीं होना चाहिए कि हमें पूरे दिन में 5 या 6 लीटर पानी पीना ही है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में यदि हम पानी पीते हैं तो वो भी हमारा एक इनडाइजेशन का कारण बन सकता है। दूसरा आता है सलाद। सलाद यानी गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, इन सब का सेवन हमें अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि सलाद में सफिशियंट अमाउंट में पानी होता है जो हमारे मल को टाइट नहीं होने देता है। सलाद खाते वक्त हमें एक चीज का ध्यान अवश्य देना चाहिए कि सलाद हम खाना खाने के साथ या खाना खाने के बाद ना खाएं, क्योंकि इससे सलाद पचता नहीं है और गैस बनाता है। इसलिए सलाद हमें खाना खाने से पहले खानी चाहिए, चाहे वो खाना खाने के तुरंत पहले हो चाहे खाना खाने के 1 घंटा पहले हो। तीसरा आता है फल, जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो उसका सेवन करना हमारे लिए काफी अच्छा होता है, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, सेब, संतरा, मौसमी, अंगूर, पपीता, अनानास, इनका हम जूस बनाकर भी पी सकते हैं। चौथा आता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में हम लगभग सभी प्रकार की वेजिटेबल्स ले सकते हैं और लगभग सभी प्रकार की दालें ले सकते हैं, पर कुछ एक वेजिटेबल्स हैं जैसे आलू, अरबी, गोभी, भिंडी या दालों में मसूर की दाल और उड़द की दाल और चना और राजमा, ये सब चीज बायबादी वाली होती है। इनका सेवन हम रात को ना करें, ऐसा करने से हमारे गैस बन सकती है और बवासीर वाले रोगियों को पाचन तंत्र वैसे ही कमजोर होता है। इनका सेवन हम कम मात्रा में दिन में कर सकते हैं, यदि उससे भी हमें गैस बने तो इनका सेवन हम ना करें। पांचवा, जहाँ तक मसालों का सवाल है तो गरम मसाले या लाल मिर्च जहाँ तक हो उसके कम मात्रा में ले, और हरी मिर्च तो बिल्कुल ना ले, क्योंकि हरी मिर्च लेने पर हमें जुबान पे तो स्वाद लगती है परंतु जब मल में मिल करके आती है तो हमारी गुदा की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन करती है, जिससे कि हमारे बवासीर के मसलों का जो घाव है वो दोबारा से बन सकता है, उसमें खून आना चालू हो सकता है। दूसरा, इसे फिशर के घाव में भी जलन होती है और फिशर का घाव भर नहीं पाता है। ये सब थी बेसिक चीजें जो बवासीर के रोगी क्या क्या खा सकते हैं या क्या क्या नहीं खा सकते हैं। पर कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि शराब का सेवन, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, इससे हमारी पाचन प्रक्रिया खत्म होती है, जिससे कि बवासीर के रोग होने की पूरी पूरी संभावना होती है। दूसरा आता है फास्ट फूड, जंक फूड या प्रोसेस फूड या मैदे से बनी वस्तुएं, वो ना खाएं। तीसरा, दूध के साथ किसी भी फल का सेवन ना करें, जैसे कि बनाना शेक, पपीता शेक, चीकू शेक, मैंगो शेक, ये सब अपोजिट फूड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आते हैं। इनको लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन दोनों ही ठप होते हैं। चौथा, हम मांस का सेवन बिल्कुल ना करें, इससे हमारी आंतों की मूवमेंट कमजोर होती है और कब्ज को बढ़ावा मिलता है, जिस कारण से बवासीर संबंधी रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको और कुछ भी जानने की जिज्ञासा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।